और तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपंकर। मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और आज का दिन पैरट दीपंकर यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है, बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि केंद्रीय स्वराष्ट्र प्रतिमंत्री मिस्टर नित्यानंद राय महाशय जी आज हम लोगों का बार्ड ब्रीडिंग फार्म विजिट करने के लिए आ रहे हैं। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का दुआ, आप लोगों का आशीर्वाद की वजह से आज ये सब कुछ हो पा रहा है। और तो मैं दिल से आप सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। सर जी थोड़ा सा माला है आपके लिए। लाओ यार। अरे सर जी, सर जी थोड़ा एक मिनट बैठेंगे उसके बाद जाएंगे या आप बैठे? अमेजोन बार्ड दो टाइप का होता है, एक सरल चोंचू का, मतलब जिन लोगों का चोंच हाँ स्ट्रेट रहता है, और एक बेंड होता है। बेंड जिसका होता है उसको टिया प्रजाति, पैरट प्रजाति का। फार्म तक खुले रेडी करो, एक बार गेट तक खुले सनफ्लावर उसने रेडी करो। हाँ सर जी, सिर्फ सिर्फ तोता, सिर्फ तोता। हाँ अच्छा मामा, सनफ्लावर दो आपका हाथों में थोड़ा सा वो सनफ्लावर दे देंगे। हाँ। तो देखिएगा सारे बार टूटते आपका हाथों में आके बैठ जाएगा सर जी। वो अपने आप ही आ जाएगा सर। मंका 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 मंका, कौन कौन गुड बॉय। सर जी आपका कंधों पे बैठा देता हूँ, आराम से बैठे रहेगा। बैठो आराम से बैठो। सर जी इसका नाम है मंका और ये बहुत फेमस है। सर खाने के लिए कोशिश कर रहा है, आप हाथ थोड़ा ऊपर उठाइए। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। और तो रेस्पेक्टेड सर जी को पूरा बार्ड फार्म सही तरीके से विजिट कराया, और सर जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा दो चार शब्द हम लोग का इस बार्ड एवियरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा दीपंकर जी, आपको पर्यावरण का बहुत ख्याल है और प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। एक अद्भुत सा आपने जितने पक्षियों को बर्ड को यहाँ पाल रखे हैं और जितना आपसे पक्षी प्रेम करते हैं, बिल्कुल आपके परिवार की तरह आपके साथ वह जिस तरह से बैठता है, जिस तरह से खाना खाता है, लगता है कि आपका प्रेम जितना पक्षियों को मिल रहा है उसी प्रकार से सारे पक्षी आपको प्रेम करते हैं। और यह एक अद्भुत बात है, यह आसान बात नहीं है, बहुत कठिन और मुश्किल है कि अपने इन सारे वर्ड को, सारे पक्षियों को अपने प्रेम से अभिभूत करके उसको एकदम परिवार के सदस्य के रूप में बना लेना, और इतनी लगाव कि आपको देखते ही पक्षी आपके पास होते हैं, आपके कंधे पे होते हैं,
और इतना इनको आपने अच्छा से पाल पोस रखा है, रख रखाव किया है, इसके लिए मैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामना देंगे कि आप आगे भी इस काम को और करते रहिए। प्रकृति का प्रेम, पक्षियों से प्रेम आपका अद्भुत है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार तो व्यक्त भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ और शुभकामना भी करता हूँ कि आगे और इसमें आपको सफलता मिले। थैंक यू सो मच सर जी, तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला सर जी से। आशीर्वाद कीजिएगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आशीर्वाद कीजिएगा सर जी। नाव के पीछे सर जी घर रहा है, हाँ सर जी, कहा वहाँ पापा जी का एक मंदिर बनेगा राम जी कृष्ण जी का। तालाब कितना कितना बना? हाँ सर जी, बड़ा बड़ा मछली, तब भी क्या केजी का? 6-7 केजी का। 6-7 केजी? हाँ। नाव वहाँ एक बना के रखे बहुत दिन पहले से, यहाँ छोड़ने का, अभी तो पानी कम हो गया सर। मछली को खाने के लिए क्या देते? मछली को खाना मिलता है मार्केट से, वो होता है फिर यहाँ, मतलब पहले कुछ राजहंस था। राजहंस मतलब उजला वाला बड़ा वाला होता है, वाइट स्वान। सब्जी के टाइम में तो सर कोई भी सब्जी यहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सब्जी होता ही नहीं। बहुत दूर जाना है, रास्ता सही से।
आठवीं का काम मेरे खत्म होने के तीन चार साल और पैरल दीपों का यूट्यूब फैमिली का हर एक मेंबर, हर एक व्यूअर, हर एक सब्सक्राइबर, आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का प्यार, आप सभी का दुआ, आप सभी का आशीर्वाद के कारण पैरल दीपों का चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम सब मिलके सुंदरबन का कोने कोने में पहुंच के हेल्पलेस लोगों का, होमलेस लोगों का, ऐसे असहाय लोगों का जो सहायता करते हैं, जिसके कारण आज मिनिस्टर साहब, मंत्री महाशय जी भी पैरट दीपंकर का बार्ड ब्रीडिंग फार्म विजिट करने के लिए आए हैं। और तो क्या कहूँ, आप सभी का सपोर्ट मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का, क्योंकि आप लोगों को लेके ही पैरट दीपंकर यूट्यूब फैमिली और आप लोगों का सपोर्ट के डोनेशन के वजह से ही पैरट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू ये सारे काम नेक काम में हम लोग शामिल हो पाते हैं। और तो चलिए अभी देखेंगे पैरल दीपों को चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम सब मिलके सुंदरबन का कोने कोने में पहुंच के होपलेस, होमलेस एंड हेल्पलेस लोगों के लिए जो कुछ सहायता किया उनका कुछ वीडियो क्लिप अभी हम लोग देखेंगे। আমি চেষ্টা করব। আচ্ছা আপনি আর কাঁদবেন না, আমি এটা আপনি ধরুন, না মাসিমা কান্না করবেন না। আর রাস্তে মে যাতে যাতে আপনি গ্রহণ আপনি গ্রহণ আমি 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 ছেলে হিসাবে আপনি সঙ্গে আশীর্বাদ ভাই আপকা। और सौरभ भाई के लिए एक व्हील चेयर का बंदोबस्त आपने बैगर मध्य नहीं মাসিমা মনে ভরসা রাখুন, কান্না করবেন না। আপনারা সবাই খুশি তো? অনেক কিছু আছে, ভালো করে ধরে নেন, পড়ে না যায়। ভগবানের কাছে কামনা করি আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। और तो फाइनली आज जैसे हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था 20 दिसंबर को फ्रेजरगंज में अबाउट 300 फैमिलीज को हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दो पीस करके कंबल, एक टॉर्च लाइट, बिस्कुट का पैकेट वगैरह और थोड़ा सा खाना वगैरह है सब मिलके। और तो आज फाइनली हम लोगों का इवेंट का काम शुरू हो गया है। माँ क्यों लहाते क्यों जी?
বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ইস বছর নববর্ষও কি না বছর নববর্ষ আমার রহে আচ্ছা আপনি সব পেয়েছেন আপনি হ্যাপি খুশি বাবা এই ভাবে যেন কাজ চালিয়ে যেতে হবে একদম আশীর্বাদ করবেন और धीरे धीरे सब लोग आना भी शुरू हो गया है और थोड़ी ही देर में हम लोग का इवेंट शुरू होने वाला है सबका हो गया अभी छोटे बच्चे के लिए भी कुछ इंतजाम है थैंक यू बोल दो थैंक यू সামান্য সহযোগিতাটুকু আপনি গ্রহণ করুন দিদি সেরিলাক্স দিয়ে গেলাম তার সঙ্গে বিস্কুটস দিয়ে গেলাম সবাই খেয়ে যাবে আসছি সবাই ভালো থেকো তোমরা ইউ অল আর ওয়েলকাম ফাইনালি হাম লোগো কা মেডিকেল ক্যাম্প জো থা ও সাকসেসফুলি হাম লোগো নে কমপ্লিট কিয়া ঠিক আছে और तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दूसरा आइलैंड में बिस्किट पैकेट ले सकते हो हाथ में अच्छा ठीक है भाई थोड़ा सा बैलेंस करके जाना पड़ेगा और आज इससे ज़्यादा यही फाइनल घर होगा ऐसे एक सेट बना के ये लोग अभी रह रहे हैं मतलब ये देखिए दो उंगली से कोई भी हिला सकते हैं हर एक घर यहाँ से सब तो बाबे और माँ यहाँ एक सेरिलैक्सर पैकेट आछे और केक आछे माँ এটা হচ্ছে তোমার জন্য বেবি কো দিদি এই আপনার বাবু ছোট্ট বাবুর জন্য এই সেরেলাকটা দিলাম খুশি হ্যাপি দুই থেকে দশ বছরের বাচ্চার জন্য আর এটা কৌটোর মধ্যে ঢেলে টাইট করে রাখবেন নাহলে নষ্ট হয়ে যাবে দাদা ঝোরদা তুমি কি রান্না করছো গো এখানে একটা লাইট ফাইট রাখো না কেন একটা গায়ে দেবে আর একটা ঠিক আছে তো শীতের আর কিছু ছিল না তোমার গায়ে দেওয়ার মতো আমার নমস্কার নেবেন আছি আরেকটু হাইট করো আরেকটু আর এ পেড় বহুতই জলদি বহুত উঁচা উঁচা দেখনে কে লিয়ে হাম লোগোকো মিল জায়েগা হো গিয়া দুসরা প্ল্যান্ট কো ভি আর এক বাত মে বার বার রিপিট কর রহা হু কি আপ লোগ ভি থোড়া সা করকে দেখিয়ে এক আলাগ সা ফিল হোতা হ্যায় आप जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि दीपंकर बार बार क्या फीलिंग के बारे में बोल रहा है एक नल और 500 घर में कहाँ से पानी जितना हो पाया हम लोगों ने किया पैरोट दीपों को चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू गाय भैंसों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त आसे सावधान बुझो ঠিক আছে সবাই খুশি তাহলে তো তোমরা আসছি তাহলে হ্যাঁ এই সামান্য কিছু সহযোগিতা আমরা করলাম দিদি ওই ছোট্ট বোনটির জন্য আর আবি তো বিলকুল অন্ধেরা হয়ে চুকা হ্যাঁ এটা আপনি ধরুন চেষ্টা করছি প্রত্যেকের যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবাইকে একটু করে আলো দেখানোর জন্য এটা তো খুবই সামান্য यहाँ से पूरा हर एक घर तहस नहस हो गया माँ बाबा क्यों नहीं मतलब एक ही लाइन में जितना सारा घर है और यहाँ एक घर का हालत जहाँ सबसे ज्यादा तहस नहस किया है गोवर्धनपुर एमन भाव आषाढ़ में रहिए एगुलो सब जे के लिए गेछे अच्छा 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 खुशी हैप्पी हैप्पी बोलो हमें हैप्पी আপনি গ্রহণ করবেন আপনি এটা গ্রহণ করুন দাদা
और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया।